But how do you make money? Because YouTube, you have certain amount of subscriber, and YouTube uses advertisement, Assalamu alaikum दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का ट्रैक मेरा बहुत ही स्पेशल है। इनिशियल एक घंटे का रास्ता बहुत टफ रहा गाइस, काफ़ी चढ़ाई चढ़ा और एक घंटे की ट्रैकिंग के बाद यहाँ एक स्पॉट पे मैं पहुँचा हूँ। बहुत थकावट मुझे हो गई, पसीने निकले और धूप की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है। आधे घंटे की मैं रेस्ट करूँगा और उसके बाद फिर मैं अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करूँगा यहाँ से। मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने कवर किया है तगाफरी का और ये जिस लोकेशन पर अभी मैं पहुंचा हूँ ये अपर हपाखुन कहलाता है। यहाँ आके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि अब तगाफरी का जो रास्ता है वो कहाँ से है, इसीलिए यहाँ एक होटल देख के मैं इधर आया था, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं वेट करता हूँ, ये होटल का ऑनर कहीं से आएगा, ये मुझे रास्ता बताएगा, फिर उसी रास्ते से मैं तगाफरी तक पहुँच जाऊँगा। और गाइस बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पहुँचने तक मुझे 4.5 घंटे लगे और आगे तगाफरी तक पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। अभी मैं इंतज़ार करता हूँ, ये होटल का ऑनर आ गया तो ठीक, नहीं तो अंदाजन मैं एक ट्रैक लेके निकलूँगा और इंशाल्लाह तगाफरी तक मैं कहीं ना कहीं से पहुँच जाऊँगा। ओह इतना निकलूँ सर, मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया इस वजह से कि मुझे रास्ते का आइडिया नहीं था। पहले मैं सही रास्ते पे था, फिर मुझे वापस जाना पड़ा उस गलत रास्ते पे, फिर ये कुछ होटल के ऑनर मुझे आवाज़ दी यहाँ से, वहाँ चढ़ के फिर मैं वापस नीचे आया। काफ़ी मुझे चलना भी पड़ा, मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया। यहाँ जो रेस्ट एरिया के तौर पर उन्होंने ये जगह बनाई है, बड़ी खूबसूरत है। थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ अभी, इसके बाद मैं डिसीजन लेता हूँ कि अभी मुझे निकलना पड़ेगा आगे या फिर मुझे यहाँ स्टे करना पड़ेगा। गाइस मैं सन 2000 में आया था यहाँ पिकनिक मनाने अपने स्कूल की तरफ से और आज उसके बाद मैं दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ तकरीबन 16-17 साल के बाद। तो ये दुनिया मुझे बहुत ही डिफरेंट लगी, बिल्कुल यूनिक जगह है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर मुझे टूरिस्ट मिले जो तगाफरी से होके वापस आए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं उनसे बातचीत करता हूँ इस तगाफरी के बारे में। वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज़।
My name is Borjan from Macedonia, and this is my first time coming here to Pakistan. I plan to spend in total about 2 weeks, with most of the time spending here in this area, Gilgit-Baltistan. It's an incredibly safe place, which poses no danger to tourists at all, so I would absolutely invite everyone who would like to visit Pakistan to visit this area as well. The beauty is absolutely amazing, absolutely everywhere around us here. How much you are satisfied with the government policies, especially for the tourists who are coming to Pakistan? What this government is doing for tourism is really good choice, and what they're doing is really helpful to the tourism in this country. Before it was not so easy to visit Pakistan, but nowadays it has become extremely easy, and it is very easy process for all the tourists to gain a visa to Pakistan. It only takes a few days and you can apply online. So I would like to thank the government of Pakistan for helping to promote the tourism all over the country and to attract more tourists and develop this sector much more. Because I believe that Pakistan is a very beautiful country and it deserves to have much more tourists to come here. Thank you so much. बच्चों के साथ भी ट्रैकिंग और ट्रेल्स की जा सकती है। आप लोगों ने तो एक एग्जांपल सेट की है फैमिलीज के लिए, जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं ना घूमने के लिए, ऐसे गिलगित बल्तिस्तान वादी नगर के ऐसे दूर दराज पहाड़ों में, वैलीज मिडोज में जो ट्रैकिंग करके तीन चार घंटे जो लोग आते हैं, उन फैमिलीज के लिए तो आपने एक एग्जांपल सेट की है कि बच्चों के साथ भी इतने दूर दराज जगहों पे ट्रैकिंग करके 2-3-4 घंटे ट्रैक करके आया जा सकता है। फैमिलीज कहते हैं कि बच्चे हमारे छोटे, हम नहीं जा सकते, उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ख़वातीन है, स्पेशली मदर्स के लिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और जितनी खुद वो सेहतमंद होंगी उतनी वो हैप्पी मदर होंगी और वो अच्छे बच्चों को वो जिसे कहते हैं ना बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकेंगी। और उसमें फिर यही हो जाता है कि जब आप खुद फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हो तो आप बच्चों को भी, बच्चे मदर्स को देख के कॉपी करते हैं और वो फिज़िकल एक्टिविटी उनकी उसमें रहती है, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लाइंबिंग में, ट्रैकिंग में बहुत हेल्प करती है। बेसिकली यही एक चीज होती है कि अगर आप फिजिकली रॉक क्लाइंबिंग, हाँ, आप अपने आप को फिजिकली जितना फिट रखने की कोशिश करेंगे, मैंने रॉक क्लाइंबिंग की भी है, हाँ, आप उतना ही ट्रैकिंग जो है आपके लिए डुएबल हो सकती है किड्स के साथ। आप अपने बच्चों के साथ उमर साहब की तरह आप भी आ सकते हैं इस गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ खूबसूरत ऐसे मिडोज में, खूबसूरत वैलीज में आप ट्रेवल कर सकते हैं बच्चों के साथ, आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर इनकी फैमिली कर सकती है तो मेरे ख्याल में कोई भी फैमिली यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, वादी नगर में आके अपने बच्चों के साथ घूम सकती है, ट्रैकिंग कर सकती है। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ उसके लिए हिम्मत चाहिए, इरादा चाहिए, हौसला चाहिए। तो उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू सो मच। काफ़ी रिलैक्स हुआ, यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट थे उनसे भी गपशप हुई। जाते हुए भी काफ़ी रास्ता स्टीप है, तो 2 घंटा कम से कम मुझे लगेगा यहाँ से तगाफरी तक। अभी 3 बजे हैं तो कम से कम 5 बजे मैंने वहाँ पहुँचना है, ऐसा ना हो कि मैं लेट यहाँ से निकलूँ और रास्ते में जो है शाम हो जाए। जैसे ही मैंने ये चढ़ाई पार की, तेज और ठंडी हवा इस वक्त चलने लगी। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि अब कोट पहन के भी मुझे सर्दी लग रही है।
دس از دا لاسٹ ڈیسٹینیشن. تو یہ ہے آخری جگہ جس کو تگافری کا نام دیا جاتا ہے, اور یہاں آنے والے جو ٹورسٹ ہیں وہ ان کی رہائش کے لیے یہ ٹینٹ اور کیمپنگ کا لوکل کمیونٹی نے انتظام کیا ہے. تو گئے صبح میں گھر سے نکلا تھا 9 بجے, ٹیکسی کی میں نے میناپن ویلی تک, وہاں سے ٹریکنگ میں نے شروع کی 10 بجے, اور ابھی 6:30 بج چکے ہیں. تو آلموسٹ پورا دن میرا سفر میں گزرا. ابھی ہم کھانے کے انتظار میں ہیں. یہ ٹینٹ ان لوگوں کا کچن ہے. تو ویسے تو ٹورسٹ کے لیے یہاں آنے والے جو ٹورسٹ کے لیے الگ الگ یہاں اس گراؤنڈ میں انہوں نے ٹینٹ لگائے ہیں, لیکن یہ جس ٹینٹ میں ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ کچن ہے, ان کا ڈائننگ روم ہے. تو ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے گائز, ہمارے لیے اسپیشلی سبزی چاول ان لوگوں نے بنایا ہے. تو ابھی کھانے کے انتظار میں ہے, کھانا تیار ہوگا تو کھانا کھائیں گے. نو پرابلم. مینی ویوز, ہاؤ مینی پیپل واچ یور ویڈیوز؟ یا 75,000 سبسکرائبرز. یا واو. فالوورز. اٹس ا لاٹ. واو. یا اینڈ 80% اف دیم ار آؤٹ اف پاکستان. Out of Pakistan. Yeah, UK, but you USA, do them in Urdu, India. The videos you do, yeah, it in Urdu. Yeah, so you target people who speak Urdu who might live abroad and, yeah, then come and do trips. But mostly most of my videos consist of drone shots. Mm-hmm. With background music, so, mm-hmm, yeah, other, yeah, people, yeah, also like. Yeah, yeah, because, yeah. And how do I find you on YouTube? Yeah. What's your name on YouTube? The name of my channel is Mehboob Ali. Right. Okay. Actually, I have 2 channels. Mm-hmm. One is Mehboob Ali, mm-hmm, and second one is Mehboob Ali Vlogs. Acha. You want to write it down? Okay. Do you cover the whole of Pakistan? Do you continue? Yeah, I know. I have started from Gilgit Baltistan. Inshallah, next year I will go to Pakistan, other places like Kashmir, Swat, and other places. Inshallah. So you really travel and deep. You go to every place essentially. Yes. Yeah. But how do you make money? Because YouTube, you have certain amount of subscriber, and YouTube uses advertisement, yeah, 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 and I think, yes, the advertisement. Yes. Because it depends, oh, upon, yeah. Yeah, yeah, it depends upon how many people, yeah, watching your videos. The more will be the viewers, the more you will get money. Yeah. In this big cucumber, I like. Maybe it's a local one. Yeah. Just sit there for a while and just. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Merci beaucoup. Mm-hmm. Pretty great. Like, yeah. A lot of expressions. Mm-hmm. I want some carrots. How big is it? Guy is vlogging around Nagar. Mm-hmm. Because he feels like, you know him before? Uh-huh. Hmm? It was the second last year of my university. You know they throw on the ground plastic wrappers.